हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती, एबीएम कॉलेज गोलमुरी, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए इलेक्टिव कोर्स DSC 2 का टॉपिक लेकर आई हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस पेपर में हमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी 1857 से लेके 1947 तक की महिलाओं की भागीदारी को पढ़ना है। तो पिछले क्रम में हमने प्रीति लता वाडेकर के बारे में बताया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगी। तो आज हमारा टॉपिक है कल्पना दत्त। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हर वर्ग और समुदाय ने अपना योगदान दिया। किसी ने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग को चुना, तो किसी ने क्रांतिकारी रास्ते पर चलना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इस क्रांतिकारी रास्ते पर जहां पुरुष क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, वहीं महिलाएं भी इनमें पीछे नहीं रही। उन्होंने भी इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। इन महिला क्रांतिकारियों में एक नाम कल्पना दत्त का भी है, जिन्होंने अंग्रेजों से निडरता और साहस के साथ संघर्ष किया। 16 वर्ष की उम्र और बहादुरी के दिल दहला देने वाले कारनामे, बरसती गोलियों के बीच तीर से निकल जाने वाली, बार बार पुलिस मुठभेड़ से बच निकलने वाली, जंगलों और पहाड़ों में घूम छुप कर अंग्रेजी शासकों के छक्के छुड़ाने वाली कल्पना दत्त का नाम स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 ईस्वी में कुछ हिंसात्मक घटनाएं घट जाने से महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया था। देश की युवा शक्ति को इससे बड़ी निराशा हुई। क्रांतिकारियों ने बमों पिस्तौलों के सहारे अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देने का संकल्प लिया। 1930 ईस्वी के आसपास चटगांव में उन दिनों सूर्यसेन का क्रांतिकारी दल सक्रिय था। कल्पना दत्त इसी दल की एक बहादुर क्रांतिकारी सैनिक थी। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1914 ईस्वी को चटगांव में हुआ था। माता का नाम शोभना देवी और पिता का नाम विनोद बिहारी दत्त था। बचपन से ही कल्पना को साहसी कहानियां सुनने का बहुत शौक था। खास्तगीर बालिका हाई स्कूल से उन्होंने मैट्रिक पास की। स्कूल के समय से ही उन्होंने अनेक पुस्तकें तथा क्रांतिकारियों की जीवनियां पढ़ डाली थी। बचे समय में वह व्यायाम करती, तैराकी सीखती, ताकि बहादुरी के कार्य करने के लिए शरीर को मजबूत बनाया जा सके। कल्पना दत्त के दो चाचा क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले रहे थे। उसी सिलसिले में सूर्यसेन के दल का एक नेता तारकेश्वर दस्तिकार अक्सर कल्पना के यहाँ आया करता था। उसने भी कल्पना को क्रांति साहित्य पढ़ने के लिए दिया और उसे क्रांतिकारी दल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। गांव से मैट्रिक पास करने के पश्चात आगे की पढ़ाई के लिए कल्पना दत्त कलकत्ता चली गई।
और वहाँ के बेथ्यून कॉलेज में दाखिला ले लिया। कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज के हॉस्टल में रहते हुए भी वह व्यायाम तथा अभ्यास करना नहीं भूलती। वह जल्द ही छात्र संघ की सदस्य भी बन गई और उनकी मुलाकात क्रांतिकारी महिलाओं से होने लगी। उन क्रांतिकारी महिलाओं में बीना दास, प्रीतिलता वाडेकर आदि प्रमुख थीं। तारकेश्वर दस्तिकार भी वहां अक्सर आया करता था और उन्हें प्रशिक्षण दे रहा था। कल्पना ने लाठी, तलवार, पिस्तौल, छुरा आदि चलाना सीख लिया था। बाद में वो स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन से भी मिले, जिन्हें लोग मास्टर दा के नाम से भी जानते थे। आगे चलकर कल्पना सूर्यसेन के संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से भी जुड़ गई। अप्रैल 1930 में नेहरू जी की गिरफ्तारी पर उसने आगे बढ़कर विरोध किया और कॉलेज में हड़ताल करवा दिया, क्योंकि वह छात्र संघ की सदस्य भी थी। हड़ताल में उन्हें कामयाबी मिली तो कॉलेज के अधिकारी उनकी ओर से सतर्क हो गए। सूर्यसेन के संगठन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के शस्त्रागार पर भारी हमला कर उसे लूटा और अपने कब्जे में ले लिया। इस अचानक हमले से अंग्रेज शासक बौखला गए। चटगांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बैठा दी गई, वहां कर्फ्यू लगा दिया गया। इस लूट के बाद भी कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चल रहा था। दल के बाकी सदस्यों ने तय किया कि जिस दिन रामकृष्ण और दिनेश गुप्त को फांसी दी जाएगी, उसी दिन डायनामाइट से जेल को उड़ा दिया जाए। जेल उड़ाने का काम कल्पना एवं उनके साथियों को मिला, पर किसी खुफिया सूत्र से पुलिस को खबर मिल गई और योजना पर अमल नहीं हो पाया। 17 सितंबर 1932 की रात पहाड़ी तल्ला के नज़दीक पुरुष वेश में कल्पना दत्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। उन पर दफा 109 लगाया गया कि उन्होंने अपने घर में चटगांव शस्त्रागार के हथियार छुपाए और लड़कियों को क्रांतिकारी दल में शामिल होने के लिए भड़काया, जिसे पुलिस कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई। इसलिए कल्पना को बाद में रिहाई भी मिल गई। फिर भी पुलिस उन पर नज़र रखी हुई थी और उनके घर पर सशस्त्र पुलिस का पहरा बैठा दिया गया। उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती थी, पर निडर कल्पना दत्त ने पहरेदारों की आंखों में धूल झोंक फरार हो गई और सीधे सूर्यसेन से जा मिली। बाद में 2 सालों तक भूमिगत होकर कल्पना दत्त ने क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लेती रही। पुलिस जगह जगह क्रांतिकारियों का पीछा करती रही और कल्पना दत्त बार बार फरार होकर कारतूस तथा बनाना सीखती रही और क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रही। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन और कल्पना दत्त किसी काम के सिलसिले में बाहर निकले। रास्ते में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। 2 घंटे पुलिस से मुठभेड़ के बाद सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और कल्पना दत्त किसी तरह छिप छुप कर गोलियां चलाते हुए भाग निकलने में सफल हुई। सूर्यसेन के बाद अब पुलिस को कल्पना की तलाश थी, पर कल्पना दत्त यहाँ वहाँ भाग छिप कर पूरे पुलिस विभाग को नचा रही थी। पर
गिरफ्तारी तो होनी ही थी। एक दिन मई 1993 में उन्हें भी पुलिस ने पकड़ लिया। दोनों पक्षों में मुठभेड़ हुआ और 2 घंटे के मुकाबले के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार के मुकदमे में उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, पर 19 वर्षीय कल्पना दत्त ने जेल में भी अपना संघर्ष जारी रखा और अंत में उन्हें सफलता भी मिली। अपनी पुस्तक चटगांव शस्त्रागार आक्रमण के संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि जेल में गांधी जी मुझसे मिलने आए और मुझसे मेरी आतंकवादी गतिविधियों के कारण बहुत नाराज थे, पर उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रिहाई के बारे में प्रयत्न करूंगा। इस तरह 1937 में जब प्रांतीय स्वशासन लागू हुआ, गांधी जी रविन्द्रनाथ ठाकुर और सीएफ एंड्रयूज के विशेष प्रयत्नों से 1 मई 1939 ईस्वी को कल्पना जेल से रिहा कर दी गई। जेल से बाहर आकर कल्पना ने एमए में प्रवेश लिया और कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य बनकर ट्रेड यूनियन वर्कर के रूप में कार्य करने लगी। कम्युनिस्ट पार्टी में भाग लेते समय कल्पना दत्त की भेंट प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री पूरन चंद जोशी से हुई और 4 अगस्त 1943 को वे दोनों विवाह बंधन में बंध गए। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल अकाल के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए खुद को समर्पित कर दिया। आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपने स्तर पर लोगों के लिए काम करना जारी रखा। वह बंगाल से दिल्ली आई और इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी का हिस्सा बनी। महिला वर्ष 1975 में राजधानी दिल्ली में उनका सम्मान किया गया और भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन राशि भी दुगनी कर दी गई। 24 सितंबर 1979 ईस्वी को पूना में उन्हें वीर महिला की उपाधि से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। 8 फरवरी 1995 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्वतंत्र भारत में गुमनामी में अपनी जिंदगी गुजारने वाली इस महान क्रांतिकारी महिला की कहानी को उनकी बहू मानिनी ने शब्दबद्ध किया। मानिनी ने अपनी सास के कहे अनुसार और उनसे उनके सुनाए किस्सों पर आधारित एक काल्पनिक उपन्यास डू एंड डाई चटगांव विद्रोह लिखा। प्रसिद्ध फिल्म जो हाल ही में रिलीज हुई खेले हम जी जान से इसी उपन्यास पर आधारित है। जिस हिम्मत और निडरता से कल्पना दत्त ने खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया, उसके लिए वह हमेशा याद की जाएंगी और हम सभी को उन पे नाज रहेगा। धन्यवाद।